हेलो जी, नमस्ते। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आधे से ज़्यादा फुटेज में से डिलीट हो गई थी, और ये मैं कुछ क्लिप्स मुझे फ़ोन में मिले थे इनके, तो ये डाल रही हूँ मैं पहले। तो बात ये है कि हमें इनके गार्ड ने बुलाया था डिनर के लिए और पैडलिंग के लिए, तो हम वहाँ जा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उस दिन की वीडियो बनाई जाए और आप सब लोगों से शेयर की जाए। तो चलो करते हैं एंजॉय मेरी वीडियो। ग्रैब सम टी एंड पॉपकॉर्न्स और एंजॉय करो ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है। एंड आई मेट वन लवली जेंटलमैन इन हाइथ। ही वाज सो चीयरफुल एंड काइंड टू मी। थैंक यू सो मच। थैंक्स। तो चलो शुरू करते हैं फिर वीडियो। 1 2 3 गो। अभी हम पैदल जा रहे हैं, इनके प्रोफेसर के घर जा रहे हैं। वो सब लोग वहाँ पे हैं, आपको दिखाती हूँ। वो वहाँ पे हैं और मैं पीछे वीडियो बना। रिलैक्सिंग। साउथहैम्पटन से थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ पे सिटी एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे शांत वाला एरिया ज़्यादा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं शिमला में आ गई हूँ। शिमला या डलहौजी साइड आ गई है। देखो आप पे, देखो ये रोड जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। आई एम श्योर। रॉल्फ के घर से हम सीधा पैडलिंग के लिए चले गए थे, और यहाँ पे ये सब अपने लिए स्विम सूट ड्रेसेस देख रहे हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं। इंजॉय। आर यू रेडी? Better we keep this on, right? T-shirt and shorts. Yeah, we ask them. Do we need to wear something entire? Can we keep this thing? Take your recommendation. If you want, no problem. ये देखो हीरो, मज़े इनके। फ्री की कैमरा वुमन मिल गई है, और क्या चाहिए, यही दिखेंगे आपको हमारी वीडियो में ज़्यादा। मैं तो दिखने नहीं वाली। लेट्स सी, नहीं ज़्यादा दूर में जाना, एक्साइटमेंट में बैठी बात मैं बोल रही हूँ, ठीक है? सुन रहे हो? दूर में जाना ज़्यादा। ठंडा है पानी? Is it cold? फिर अरे कहाँ जा रहे हो? दूसरी तरफ, दूसरी तरफ। अदर साइड, अदर साइड। Thank you.
पहुंच गए हैं हम यहाँ पे समंदर के किनारे। क्या सिंगर हो, वाह मेरी आवाज, वाह। और सारे लड़के अभी चेंज कर रहे हैं, वो करेंगे पैडलिंग, मैं तो नहीं करूँगी क्योंकि मेरे को स्विमिंग नहीं आती है, मुझे सीखनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, सीखूंगी मैं भी स्विमिंग, सीखूंगी। वो सारे तो चले गए हैं पैडलिंग करने के लिए, मैं अकेली रह गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ, मैंने यहाँ पे एक आगे एक बहुत प्यारी जगह देखी है, मैं आप सबको वो भी दिखाती हूँ और मैं भी थोड़ा इन्जॉय करती हूँ वहाँ पर, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। ये देखो देखो कितनी अच्छी है, छोटा छोटा सा पॉन्ड सा बना हुआ है। जहाँ पे अभी मैं लेके जाऊँगी आपको, वहाँ पे एक ब्रिज सा बना हुआ है ऐसे ऊपर, बहुत ज़्यादा अच्छा फिल्मी, यू नो फिल्मी सा लग रहा है वो सिनेमैटिकली, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी वीडियो बनेगी। चलो मिलते हैं वहाँ पे। दिखाते कितनी सुंदर जगह है, देखो ये ब्रिज मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक तरफ रोड है और एक तरफ ग्रासलैंड है, ये कनेक्ट कर रहा है ब्रिजेस को। काफ़ी शांति सी लग रही है, अच्छा सा लग रहा है मुझे, मैं अकेली आ गई हूँ यहाँ पे। ओके आई थिंक कुछ लोग आना चाहते हैं इधर। यहाँ पर मुझे मेरे घर से कॉल आई थी, तो उनसे बात भी कर रही थी और चल भी रही थी। ये ब्रिज मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था यहाँ से जाऊँगी ना, तो इसलिए आपको मैं इसके आसपास ज़्यादा दिखूँगी, ज़्यादा मेरी वीडियोस दिखेंगी इसके आसपास। चलो आप भी इंजॉय करो ये ब्यूटी मेरे साथ, और क्या। थोड़ी देर के लिए अपना बैग रखते हैं इधर और हम थोड़ा आसपास जाते हैं। यहाँ पे एक मिनट में गर्मी, दूसरे मिनट सर्दी, भाई कुछ पता नहीं चलता। अपनी जैकेट तो हर टाइम साथ में रखनी पड़ती है और रेनकोट, दो चीज़ें, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये यूके है। मुझे लगा था इतना ज़्यादा कि अनप्रिडिक्टेबल होगा मौसम, लेकिन है ये बात। मैं और एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, अपना कूड़ा अपने साथ लेके जाएं, वो आपके द्वारा फैलाया गया है, आपके द्वारा खाया गया, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो कूड़ा उठाना। जहाँ भी जाते हो अपना कूड़ा साथ में अपने बैग में अपने घर लेके आओ, उसको अपने डस्टबिन में डालो, ठीक है। ये दुनिया हमारा घर है, इसको हमने बिगाड़ना नहीं है। जो प्लास्टिक वेस्ट जो भी है वो हमने अपने साथ लेके आना है, तभी ये दुनिया अच्छी रहेगी। बाय। यहाँ पे छोटे छोटे ये रूम्स होते हैं, इनमें सब कुछ होता है शायद, और लोग यहाँ पे आते हैं, इनको रेंट पे लेते हैं और इन्जॉय करते हैं इस छोटी सी बालकनी में खड़े होकर। ये देखो कितना शांत है, सुंदर है, वेरी नाइस। देखो क्या मिला मुझे, मुझे पहली बार सिप्पी, शंख बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, यहाँ पे पड़ा हुआ मिला।
मैं देख रही हूँ और भी कुछ मिल जाए। आवाज़ सुन रहे हो आप कितनी? वाह, मैं सुनाती हूँ आपको आवाज़। प्रकृति कितनी सुंदर है, बस हमें मेंटेन करना है, इसको ऐसे ही बचाना है। बताना मुझे कमेंट करके आप बीच पर्सन हो या माउंटेन पर्सन हो, मैं भी बाद में बताऊंगी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हवा आ रही है, समुद्र है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे पहली बार ये चीज़ें भी मिली हैं, छोटू सा शंख मिला है, सिप्पियाँ मिली हैं, एक दो लेके जाऊंगी मैं निशानी। कितना अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, शांत शांत, सिर्फ हवा का शोर है और पानी का शोर, सॉरी पानी का शोर है बस। अच्छा लग रहा है और देखो गंदा बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, आपको बिल्कुल भी गंदगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल साफ, कोई प्लास्टिक वेस्ट नहीं, कोई दूसरा वेस्ट नहीं। आई थिंक हमें कुछ तो सीखना चाहिए। एनीवेज ज़्यादा भाषण नहीं दूंगी मैं इस पर, चलो सबको पता है सब। जब तक मैं घूम फिर के आई, ये लोग भी पैडलिंग करके आ गए थे, तो फिर बस इसके बाद हम सीधा रॉल्फ के घर चले गए थे और बस इंजॉय किया वहाँ पे। इसके बाद मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई हैं। इसके बाद हमने खाया पिया, गप्पे मारी बहुत सारी और फिर हम सब अपने अपने घर चले गए थे। चलो फिर आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, इंजॉय।